हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे हैं, आइए देखते हैं। फ्रंट पेज पर है, लोकसभा पासेस हिस्टोरिक वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लेके आई थी सरकार लोकसभा में, और ये 27 ईयर्स के बाद लोकसभा में पेश हुआ है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। पहली बार पेश हुआ था 1996 में, और कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 128 नंबर का है ये। दैट मीन्स 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार ने ये बिल लेके आया था लोकसभा में, लेकिन उस समय पास नहीं हो पाई थी, कुछ इशूज थे, OBC को लेकर के कुछ इशूज था, और भी कई इशूज थे, सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी, क्योंकि इस बिल को पास करने के लिए जो कोरम है वो होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटीज़ को बोलते हैं, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। लोकसभा में जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जितने लोग वोट कर रहे हैं उसकी कम से कम 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तब जाकर के यह बिल पास होगा। और अभी जो पेश हुआ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, इसको कितने वोट मिले? टोटल 454 वोट मिले, 454, ठीक है। तो इसने 2/3 मेजोरिटी का क्राइटेरिया पूरा कर लिया था और सर्वसम्मति से पास हो गया। अब इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वोट नहीं दिया, जैसे असदुद्दीन OYC ने वोट नहीं किया, और उसके पार्टी के और एक मेंबर ने वोट नहीं किया। फिर कांग्रेस का इसमें क्या स्टैंड था? इसने सपोर्ट किया, लेकिन कहा कि आप ये बिल जल्दी लेके आओ, मतलब इम्प्लीमेंट इसको जल्दी करो, ठीक है, ये फोर्स में जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू होगी 2026 में, और इसके बाद ही वुमेन्स रिजर्वेशन बिल फोर्स में आएगा। पहले सेंसस होगा, फिर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, इसके बाद यह बिल फोर्स में आएगा। मतलब काफ़ी लंबा समय ले रहा है यह बिल। 2029 में अगला लोकसभा चुनाव होगा, तो इसी में फ़ायदा मिलेगा वुमेन रिजर्वेशन बिल का, ठीक है। करेंटली लोकसभा में कितने वुमेन मेंबर हैं आप जानते हैं? वुमेन MPs, टोटल वुमेन MPs हैं 82 करंट डेट में, लेकिन जब यह बिल पास हो जाएगा और कानून बन जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 182। मतलब अभी सिर्फ 15% हैं, लेकिन कानून बन जाएगा और इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो 33% हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि इसमें OBC महिलाओं को अलग से इस रिजर्वेशन के अंदर 33% मिलना चाहिए, दैट इज 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए OBC कैटेगरी से। आइए अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, स्ट्रेंट टाइज विद कनाडा लाइकली टू हिट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में टूरिज्म वगैरह आते हैं, ठीक है। तो अभी आप जानते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, काफ़ी इशूज हो गए हैं, ठीक है। और कनाडा के प्रधानमंत्री ने इंडिया पर डायरेक्ट आरोप लगाया है कि कनाडियन सिटीजन और खालिस्तानी समर्थक हरप्रीत सिंह निज्जर की हत्या के पीछे इंडिया का हाथ है, ये कनाडा का स्टेटमेंट है। तो इसके चलते दोनों कंट्रीज़ के बीच टेंशन पैदा हो गई है। कनाडा ने इंडिया के एक डिप्लोमेट को निकाल दिया कनाडा से, और इंडिया ने भी इस पर टिट फॉर टैट का एक्शन लेते हुए इसने भी एक डिप्लोमेट को, कनाडियन डिप्लोमेट को एम्बेसी से निकाल दिया। फिर टेंशन और बढ़ गई, ठीक है। तो इसके चलते
अब टूरिज्म में खतरा महसूस होने लगा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के अनुसार केरला में कनाडियन टूरिस्ट ये काफ़ी अच्छी खासी संख्या में आते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आंकड़ा जारी किया है जिसके अनुसार 2019 में 27,228 टूरिस्ट आए थे कनाडा से। फिर इसी तरह 2018 में देखें तो इसमें आए थे 26,342। फिर इसी तरह 2015 से अगर देखें तो 2015 में आए थे 26,216। इसका मतलब ये है कि ये अराउंड 25,000 से 30,000 करीब टूरिस्ट आते हैं कनाडा से इंडिया में, केरला में। तो इस टूरिज्म सेक्टर पर खतरा महसूस होने लगा है। अगर टेंशन हाई हो जाते हैं दोनों के बीच तो, और हाल में क्या हुआ है कि कनाडा ने अपने टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है कि आपको कहाँ घूमना चाहिए कहाँ नहीं घूमना चाहिए, विशेषकर इंडिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर ये टेंशन हाई हो जाता है तो टूरिज्म इंडस्ट्री पर बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है, टूरिज्म कम हो सकता है और टूरिज्म से जो रेवेन्यू आता है वो काफ़ी कम हो सकता है। अगर इंडिया कनाडा के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया गया शॉर्ट टाइम में तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। तो यही है, चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ पर। आइए चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ICMR नॉट टू कंडक्ट ट्रू नट टेस्ट टू डिटेक्ट निपा वायरस। तो निपा वायरस को टेस्ट करने के लिए ट्रू नट टेस्ट का यूज़ करने की अनुमति ICMR ने केरला गवर्नमेंट को दे दी है। आप केरल में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, BSL हॉस्पिटल्स हैं, BSL 2 हॉस्पिटल्स हैं, उनको इजाज़त दे दी गई है, अनुमति दे दी गई है कि आप ट्रू नट टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं निपा वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। ट्रू नट टेस्ट क्या होता है आइए समझते हैं। ट्रू नट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके माध्यम से बॉडी में वायरस के प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, वायरस के प्रेजेंस को टेस्ट किया जाता है। और इसके लिए थ्रोट और नेजल दो स्वैब्स का यूज़ किया जाता है, थ्रोट स्वैब का भी यूज़ किया जाता है और नेजल स्वैब का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब BSL 2 क्या है, इसका फुल फॉर्म है BSL 2। चार प्रकार के बायोसेफ्टी लेवल्स होते हैं। BSL 1 में क्या होता है, बायोसेफ्टी लेवल में प्रोहिबिशन ऑफ फूड ड्रिंकिंग स्मोकिंग, तो ये सारी चीज़ें होती हैं BSL 1 में। इसमें आपको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, तो ये सारी सावधानियाँ बताई जाती हैं BSL 1 में। इसके बाद अगला लेवल हार्डर लेवल होता है जो BSL 2 होता है। BSL 2 में इसमें क्या होता है, इसमें आपको हिदायत दी जाती है कि आप मास्क पहनिए, ठीक है, PPE किट पहनिए, तो इस तरह के प्रिकॉशंस दिए जाते हैं BSL 2 में इस नेचर के। आप हैंड वॉश करिए, ठीक है, सैनिटाइजर से हैंड वॉश करिए, तो ये सारे मेजर्स बताए जाते हैं। तो केरला के हॉस्पिटल्स में, ऐसे हॉस्पिटल्स जो BSL यानी BSL 2 हॉस्पिटल्स हैं, उसमें ट्रू नेट टेस्ट को अलाउ कर दिया है। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि निपा वायरस ये केरला में आया है इंडिया में और इसने बहुत तहलका मचा दिया है। निपा वायरस आप बता सकते हैं कि किस, इसका होस्ट रिजर्वायर कौन है? इसका होस्ट रिजर्वायर है, मतलब जो फैक्टर है वो इसका मेजबान यानी ओरिजिन कहाँ से हुआ है, फ्रूट बैट से, ठीक है, इसको याद रखिएगा, फ्रूट बैट से दूसरे जानवरों में फैल जाता है और दूसरे जानवरों के कॉन्टैक्ट में आने से आदमियों में फैल जाता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये चक्कर चलता है, ठीक है। और इसके अगर लक्षणों की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो इसमें हेडेक, ठीक है, हेडेक वगैरह आता है, फिर कमज़ोरी आती है, तो उल्टियाँ आती हैं, वोमिटिंग्स, तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं।
आइए चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कुर्मी कॉल्स ऑफ एस्टर आफ्टर कैलकाटा हाई कोर्ट कॉल्स इट इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कैलकाटा के हाई कोर्ट ने कुर्मी कम्युनिटी के द्वारा इनडेफिनिट स्ट्राइक पर बैठना इसको इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। घोषित नहीं किया मतलब कहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को एडवाइजरी जारी की है कि आप इनके इनडेफिनिट स्ट्राइक को देखते हुए इनके कन्वीनियंस को सुनिश्चित करें और इनकी जो मांग है उस पर कंसिडर करने की कोशिश करें या कोई एक्शन लें। ऐसे इनको प्रोटेस्ट पर बैठाना उचित नहीं है, ठीक है। कुर्मी कम्युनिटी के लोग तीन स्टेट्स के अंदर जो कुर्मी कम्युनिटीज़ हैं, एक तो हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये तीन स्टेट्स में हैं कुर्मी कम्युनिटीज़। यहाँ के लोग इस कम्युनिटी के द्वारा एसटी स्टेटस मांगा जा रहा है, ये चाहते हैं कि इनको एसटी कैटेगरी का स्टेटस दिया जाए। और इनकी जो लैंग्वेज है इनको संविधान के 8th शेड्यूल में शामिल किया जाए, तो कुर्मी कम्युनिटी की मांग है। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट को एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद कुर्मी कम्युनिटी ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो इस पेज में बेसिकली न्यूज यही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया इशूज ट्रेवल एडवाइजरी फॉर कनाडा। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है जो लोग कनाडा जा रहे हैं उनके लिए या जो लोग कनाडा में हैं उनके लिए, ठीक है। अब पूरा मामला क्या है आप जानते ही हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई कनाडा के वैंकूवर में। वैंकूवर से 30 किलोमीटर दूर सर्रे जगह का नाम था, यहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई। कब? ये जून 18 में हुई थी, 18 जून को। लेकिन कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसी ने पीएम ट्रूडो को, वहाँ के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उनको बताया कि इस हत्या के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ है। अब इसीलिए अब कनाडा ने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया, इंडिया के पवन कुमार राय जिसका नाम था, सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया है। और कनाडा के विदेश मंत्री एम जोली का कहना है कि जो पवन कुमार राय था ये रो एजेंट था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो एजेंट था, ये कहना है एम जोली का। इंडिया ने भी स्टर्न स्टेप लेते हुए कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया है। अब दोनों देशों के बीच टेंशन बहुत बढ़ गई है। अब कनाडा ने भी इंडिया में कनाडियन टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी जारी किया है। अब इंडिया ने भी जारी किया ट्रेवल एडवाइजरी जो लोग कनाडा जा रहे हैं या फिर कनाडा में रह रहे हैं, ठीक है। विशेषकर वैंकूवर नहीं जाने की सलाह दे रहे हैं। फिर जो इंडियन टूरिस्ट से कहा है कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ओटावा या फिर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन टोरंटो या वैंकूवर, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें मदद पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। मदद पोर्टल के माध्यम से आप यहाँ पे जरूर करा लें रजिस्ट्रेशन, ताकि आपको ट्रेस किया जा सके कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है। तो इस पेज में यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आया है व्हाइट हाउस बैक्स प्रोब इनटू सीरियस एलिगेशंस। जॉन किर्बी ये कह रहे हैं। जॉन किर्बी क्या कौन है? ये है स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन चीफ व्हाइट हाउस के। तो इन्होंने कहा कि इनकी पूरी नज़र है इंडिया और कनाडा के बीच जो घटनाएं घट रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके ऊपर इनकी यूएस की पूरी नज़र है और दोनों के टच में है, कनाडा और इंडिया दोनों इसके पार्टनर्स हैं और दोनों के टच में है, ठीक है। ये कहना है यूएस का, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आइए चलते हैं अगले आर्टिकल पर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं इंडिया के ऊपर जो कनाडा ने लगाए हैं, निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है इंडिया के ऊपर, तो ये काफ़ी सीरियस एलिगेशन है। और ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि हम अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है, ये जारी है और जब तक इन्वेस्टिगेशन से ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि
निज्जर की हत्या के पीछे इंडियन एजेंसी का हाथ है, तब तक हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया ने कहा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस इसी से न्यूज़ भरा पड़ा है आज का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूएस कंसिडरिंग मोदीज इन्वाइट टू बाइडन टू बी चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेज एनवो। तो यूएस के एनवो ने, यानी यहाँ के अम्बेसडर, जिसका नाम है एरिक गरसट्टी, तो इसने जानकारी दी है कि मोदी ने बाइडन को, जो बाइडन को 2024 में होने वाले रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है बाइडन को। ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही है। फिर इसमें सूचना दी गई है कि इस दौरान संभावना है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस से कोऑर्डिनेट करके क्वाड की मीटिंग कब की जानी है, इसके ऊपर भी डिसीजन लिए जा सकते हैं। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी फोरम आप जानते ही हैं, क्वाड चार देशों का समूह है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस। ठीक है, तो इसके बारे में भी मीटिंग हो सकती है, इसके बारे में भी डिसीजन हो सकता है। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, इसमें बाकी तो वही लिखा है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की तारीफ की जो बाइडन ने, और ये इन्विटेशन मोदी ने बाइडन को G20 समिट के दौरान, जो इसके साइडलाइंस में जो मीटिंग्स होती हैं उसके दौरान इन्होंने इन्विटेशन दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, टर्की रेजेज कंसर्न ओवर कश्मीर इशू ड्यूरिंग उंगा। उंगा क्या है आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसका 78th सेशन चल रहा है। इस सेशन के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति, जिसका नाम है रिसेप तैयब ने क्या कहा कश्मीर के ऊपर, मैं कोट करके आपको बताता हूँ। अनदर डेवलपमेंट दैट विल पेव द वे फॉर रीजनल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन साउथ एशिया विल बी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन कश्मीर थ्रू डायलॉग एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो तुर्की का राष्ट्रपति रिसेप तैयब ये क्या कह रहा है कि साउथ इंडिया में अगर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ठीक है, तो कश्मीर का इशू को सॉल्व करना होगा इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा, क्योंकि कश्मीर का इशू ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और दोनों के बीच ये इसके ऊपर डिस्प्यूट है, और इसी चलते साउथ एशिया में यूनिटी नहीं बन पा रही है। साउथ एशिया में कलेक्टिव रूप से तो हम तभी फाइट कर पाएंगे जब कश्मीर का इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो तुर्की के राष्ट्रपति ने यह कहा, तो इंडिया और पाकिस्तान को जल्दी से कश्मीर का इशू को सॉल्व कर देना चाहिए ताकि साउथ इंडिया में प्रॉस्पेरिटी के लिए काम किया जा सके, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए काम किया जा सके, स्टेबिलिटी के लिए काम किया जा सके। ठीक है, तो लेकिन पाकिस्तान है कि ये मानता नहीं, ये हमेशा कश्मीर में टेररिस्ट हमेशा भेजते रहता है, जिसके चलते यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है और कोई टॉक्स भी अभी नहीं हो रहे हैं पिछले सार्क समिट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू एग्जामिन वैलिडिटी ऑफ एक्सटेंडिंग कोटा। एससी एसटी के कोटा को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं क्लॉकवाइज तरीके से, ये इसकी जांच करेगा, इसकी वैलिडिटी की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ द्वारा हेडेड एक बेंच, और इसमें ये जांच करेगा कि एससी एसटी के रिजर्वेशंस को लोकसभा में बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता है। रिजर्वेशन को बढ़ाने का प्रावधान आर्टिकल 334 में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 334 में। ठीक है, और रिजर्वेशन दिया जाएगा ये किसमें लिखा है, आर्टिकल 330 में। ये 330 से लेकर के 342 तक इसमें रिजर्वेशंस के बारे में दिया हुआ है, एससी एसटी और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिजर्वेशंस के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 330 से 342 तक। ठीक है, 2019 में एक्सटेंड किया गया था अगले 10 साल के लिए एसटी एससी के रिजर्वेशंस को, अब ये ख़त्म होने वाला है 2030 में, यानी संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, मतलब संविधान कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद 80 ईयर्स तक एसटी एससी को इसका फ़ायदा मिला है। अब सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगी कि आगे इसको और बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि 1950 के बाद यानी कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 10 साल के लिए 10 ईयर्स के लिए ST SC के रिजर्वेशंस को बढ़ाया जाएगा। मतलब 10 साल तक इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकसभा में, लेकिन सब्सिक्वेंटली इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया जाता रहा है हर 10 साल के लिए, और ये लास्ट इंक्रीमेंट हुआ है, लास्ट एक्सटेंशन हुआ है 2019 में। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वुमेन फेस टफर पेनल्टीज एज ईरान MPs पास ड्रेस कोड बिल। इस्लामिक ड्रेस कोड के ऊपर एक बिल बनाया है और पास किया है ईरान के पार्लियामेंट ने। ठीक है, जो भी वुमेन इस नियम का उल्लंघन करेंगी या इस कानून का उल्लंघन करेंगी उनको 10 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट दी जाएगी, 10 ईयर्स की जेल होगी। इस बिल का नाम दिया है सपोर्ट फॉर द कल्चर ऑफ हिजाब एंड चेस्टिटी बिल, सपोर्ट फॉर द कल्चर ऑफ हिजाब एंड चेस्टिटी बिल। ठीक है, इसमें जब फाइनल अप्रूवल हो जाएगा और ये जब कानून बन जाएगा तो इसको जो भी वुमेन उल्लंघन करेंगी उसको 10 साल की सजा होगी। इस बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं कि हिजाब का पूरा रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, हिजाब सभी को पहनना अनिवार्य है। दूसरा, न्यूडिटी को बढ़ावा नहीं देंगे, न्यूडिटी को बढ़ावा नहीं देंगी वुमेन, ईरान की वुमेन, और जिसको भी न्यूडिटी को बढ़ावा देते हुए पाया गया उसको 10 साल की सजा होगी। तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग पेनल्टीज दिए गए हैं। फिर कोई अगर कार भी चला रही होंगी तो उसको भी हिजाब पहनना अनिवार्य है, और हाफ नेकेड ड्रेस नहीं पहन सकती हैं वुमेन, हाफ नेकेड ड्रेस। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं इस बिल के अंदर। ठीक है, और इन अप्रोप्रिएट तरीके से कोई भी कपड़े नहीं पहनेंगे, और जिनको भी ऐसा पाया गया, ठीक है, कि इन अप्रोप्रिएट तरीके से पहने हुए लेडी को कार चलाते हुए पाया गया तो $10 इतना अमाउंट उससे वसूला जाएगा पेनल्टी के तौर पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल बिल है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है काराबाख ऑपरेशन हॉल्टेड। अजरबैजान ने कहा है कि हमने काराबाख ऑपरेशन को अभी के लिए रोक दिया है। काराबाख आप जानते हैं कहाँ पे है, नगोर्नो काराबाख अर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर पर है। अजरबैजान इस साइड है और अर्मेनिया इस साइड है। ठीक है, नगोर्नो काराबाख का एरिया दोनों के बीच पड़ता है, हालांकि इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये अजरबैजान का पार्ट है, लेकिन अर्मेनिया भी इस पर अपना क्लेम करता है। तो हाल ही में अजरबैजान ने इस काराबाख एरिया में ऑपरेशन चलाया था। अजरबैजान का आरोप था कि आर्मेनिया से कई मिलिटेंट यहाँ पर घुस आए हैं और इस टेरिटरी पर अपना दावा जमा रहे हैं, अपना दावा कर रहे हैं, तो इसीलिए अजरबैजान ने इस पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, लेकिन अभी कुछ समय के लिए अजरबैजान ने इसको रोक दिया है। यही है न्यूज़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्ट्रिप रसिया ऑफ वीटो पावर, जेलेंस्की सेज इन यूनाइटेड नेशंस एड्रेस। तो UN को एड्रेस करते हुए, अभी 78th सेशन चल रहा है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, जनरल असेंबली का, तो इसमें व्लादिमीर जेलेंस्की इसने कहा है कि रसिया से वीटो पावर छीन लो। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर, ये आप सब जानते हैं कि रसिया ने चौबीस फरवरी 2022 में रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, और तब से दोनों के बीच काफ़ी टेंशन है, और जेलेंस्की ने भी यानी यूक्रेन ने भी काउंटर अटैक किया है रसिया के ऊपर। रसिया अलग थलग पड़ गया है इस वॉर में, और जेलेंस्की को पूरा सपोर्ट मिल रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड से, अमेरिका भी पूरा सपोर्ट कर रहा है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जेलेंस्की का कहना है कि रसिया यूक्रेन के अंदर किडनैपिंग, मर्डर, रेप, इस तरह की घटनाओं को ये अंजाम दे रहा है यूक्रेन में। मतलब यहाँ पे एक जेनोसाइड कर रहा है रसिया, ऐसे कंट्री को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के रूप में होना शोभा नहीं देता है।
तो रसिया को यहाँ से निकालो, उससे वीटो पावर छीन लो, ठीक है। जब वीटो पावर छीन ली जाएगी तो रसिया अकेले अलग थलग पड़ जाएगा, इसके बाद वर्ल्ड वाइड उसका क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स हैं, उनमें से रसिया एक है, ठीक है। और इसमें इस P5, इसको P5 भी बोलते हैं, इस P5 के द्वारा रसिया को क्रिटिसाइज तब तक नहीं किया जाएगा तब तक जब तक रसिया अपना वीटो का इस्तेमाल करता रहेगा, क्योंकि इसमें आप जानते ही हैं कि 5 कंट्रीज़ में से किसी भी रेजोल्यूशन को तब तक पास नहीं किया जा सकता है जब तक किसी एक ने भी अगर अपना वीटो का यूज कर लिया है, ठीक है। इसमें मेजोरिटी नहीं चलती है, इसमें हर कोई को सहमत होना पड़ता है किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। इसमें बेसिकली यही है। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस हम इतने। धन्यवाद।